और मेरे पास देख इतनी इदी इकट्ठी हुई है, और तेरे पास क्या इकट्ठा हुआ? मेरे पास इतनी इदी इकट्ठी हुई है, मुझे मैं तो इतने मज़े करूँगा ईद के बाद, मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें लूँगा, बहुत मज़ा आएगा। यस हाँ, मेरे पास भी इकट्ठी हुई है लेकिन मेरी मामा के पास है। अच्छा यार ठीक है, ये जो मेरी ईदियाँ ना यहीं मैं रख के जा रहा हूँ, या तुम ही संभाल लो। तो मैं वाशरूम जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, ये लो। हाँ ठीक है जा। चलो यार, ये तो वाशरूम गया, चला गया, और अब मैं इसकी ईदी अपनी पॉकेट में डाल लूँगा और इसको कहूँगा कि मुझे नहीं पता तेरी ईदी किधर है। हाँ चलो चलो, ये मैं अपनी पॉकेट में डाल ली, पॉकेट में डाल ली मैंने अब अपनी, और जब भी आएगा इसे तो मैं कहूँगा पता नहीं तेरी ईदी किधर है। इस तरह फ़ायदा होता है ना, तो कौन जमा करे इतनी ज़्यादा। चल यार ला वो ईदी जो मैं तुझे वाशरूम जाने से पहले दी थी, अब मैं वाशरूम से आ गया, अब तुम मुझे दे सकते हो। पता नहीं तेरी ईदी कहाँ है, तो तुझे अपनी ईदी का खुद ही पता हो, तू जाने और तेरी ईदी मुझे नहीं पता, मैं तो जरूरी काम से जा रहा हूँ, बाय। अरे यार सुन, तो इतना पागल है, इसने मेरी ईदी, इसने ज़रूर मेरी ईदी ली है, तो मेरी ईदी कहाँ जा सकती थी, मैं तो इसे ही देख के गया था ना, पागल कहीं का चोर दोस्त, पता नहीं कहाँ से मिल गया चोर दोस्त ऐसा, सारी ईदी ले गया मेरी, इतनी मेहनत से मैंने ली। यार आज ईद है फिर भी मुझे इतना अजीब अजीब और बोरिंग क्यों फील हो रहा है। अरे हाँ मुझे तो याद आया, मैं तो हर ईद पे लेस खाता हूँ ना, इस ईद पे नहीं खाए मैंने। चलो ठीक है, अब लेस लेके खाता हूँ। चलो यार, लेस का पहला पैकेट खाने के बाद फिर भूख लग रही है, चलो एक काम करता हूँ फिर लेस खा लेता हूँ। यार फिर से भूख लग गई, अब लेस खाऊँ कि ना? नहीं नहीं खाना पका होगा। चलो छोड़ो, खाने को कौन खाता है ईद पे, तो कुछ स्पेशल ही खाते हैं ना। चलो फिर से लेस खाता हूँ, मुझे क्या। हाँ यार स्कूल वेकेशन भी हो गया, अब तो स्कूल इतनी देर बाद खुलेंगे जाके। अरे बेटा तुम यहाँ बातें करो, नीचे इतने ज़्यादा मेहमान आए हैं उनको कौन संभाले, और तुम यहाँ लगे हुए हो बातें करें, अब जल्दी चलो नीचे सबको संभालने, इतने ज़्यादा मेहमान आए हुए हैं। लो अभी दिन के सिर्फ 9 बजे हैं और मेहमान आना भी शुरू हो गए। ईद वाले दिन मामा हमारा नहीं कहीं दिल करता जाने को, सारे हमारे घर ही आते हैं, हमारा नहीं दिल करता कहीं जाने को। हो गई सुबह सुबह मेहमान नवाजी, करो इनकी बैठ के अब, बस अब बातें कम करो और चलो अब जल्दी। ठीक है चल रहा हूँ। पापा यार इतना बोर हो रहे हैं, प्लीज़ कहीं आप बाहर ले जाए ना, इतना बोर हो रहे हैं, ईद पे अगर कोई बाहर नहीं जाएगा तो कब जाएगा, प्लीज़ ले जाए ना। हाँ बेटा बिल्कुल, तुमने मेरे मुंह की बात छीली, मैं भी यही कहने लगा था कि कहीं चलते हैं, लेकिन बेटा हम जाएंगे कहाँ? पापा वो तो बाहर जाने के बाद पता चल ही जाएगा ना कि हमने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, पूरा एरिया घूमेंगे और फिर जो अच्छी जगह लगी रेस्टोरेंट या पार्क उसमें चले जाएंगे। चलो ठीक है बेटा फिर चलते हैं। चलिए ठीक है चलते हैं फिर। मेरे पास देर से ना कितने पैसे हैं, तेरे पास तो कुछ भी नहीं। हाँ चल रहा हूँ। लो सुबह सुबह मेहमान आ गए, अभी दिन के 6 बजे हैं, 6 बजे दिन के 9 बजे करना था 6 बजे। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन को भी आप क्लिक कर दिएगा ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप ईद के दिन क्या करते हैं, और आप मेरे चैनल को इस गोल दायरे पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।